गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। हमने लास्ट वीडियो में अपने लेसन 3 एट स्कूल रीड किया था, ओके? आज हम इस वीडियो में इसी लेसन का एक्सरसाइज करेंगे, ओके? नाउ कम टू द पेज नंबर 17। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। इस खाली स्थान को भरना है इस ब्रैकेट में जो वर्ड है उसको चूज करके। फर्स्ट नंबर, ब्लैंक इज अ वेरी साई गर्ल। तो हमने पढ़ा था कौन साई गर्ल है? शिल्पा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शिल्पा। ब्लैंक लव्स टू टॉक। किसे बात करना पसंद है? तो रोहिणी। तो यहाँ पे क्या आएगा? रोहिणी। मिस मीरा इज अ डियर क्लासमेट या क्लास टीचर। मिस मीरा कौन थी? उनकी क्लास टीचर थी। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लास टीचर। इट इज़ शिल्पास बर्थडे टुडे। शिल्पा का क्या था? बर्थडे, ओके। ऑल द चिल्ड्रन सिंग फॉर शिल्पा। सारे बच्चे शिल्पा के लिए गाना गा रहे थे। शिल्पा इज वेरी हैप्पी और सैड। क्या थी वो? हैप्पी थी, ओके। तो आप भी इस वीडियो को देख के इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल अप कर लीजिएगा अपने बुक में। आज का आपका ये होमवर्क होगा। नाउ कम टू द पेज नंबर 18। पेज नंबर 18, लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। इस पिक्चर को देखना है और इस पिक्चर को हमें देखना है और इसकी करेक्ट स्पेलिंग हमें क्या करना है? सर्कल करना है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? पेंसिल। तो पेंसिल की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? PENCIL, पेंसिल, ओके। ये क्या दिखाई दे रहा है? ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? BLACKBOARD, ब्लैक बोर्ड, ओके। ये क्या दिखाई दे रहा है? बुक्स। बहुत सारे बुक रखे हुए ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बुक्स, BOOKS, बुक्स। इसको सर्कल करना है। ये क्या है? इरेजर। इरेजर की स्पेलिंग क्या है? ERASER, इरेजर, ओके। क्रेयॉन, ये क्या है? क्रेयॉन्स, ठीक है। कलर जिसे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेयॉन्स। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? CRAYONS, क्या होगी? क्रेयॉन्स। समझ में आ गया? तो इसी तरह आपको भी इसमें सर्कल करने हैं, ओके। नाउ कम टू द पेज नंबर 19। पेज नंबर 19, रीड द सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस सेंटेंस को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। सेंटेंस ए, सीमा इज अ साई गर्ल। सीमा क्या है? साई गर्ल। सीमा कीप क्वाइट इन द क्लास। सेंटेंस बी, सीमा इज अ वेरी साई गर्ल, सी कीप्स क्वाइट इन द क्लास। क्वेश्चन है, विच इज यूज इन प्लेस ऑफ सीमा इन सेंटेंस बी। तो हमने सेंटेंस बी में सीमा के प्लेस पे हमने क्या यूज किया है? सी का यूज किया है। सी किसके लिए यूज करते हैं? गर्ल के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? गर्ल के लिए, ओके। टू, सेंटेंस ए, दिस इज राहुल, या राहुल है। राहुल लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। राहुल को फुटबॉल खेलना पसंद है। सेंटेंस बी, दिस इज राहुल, या राहुल है। ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है, ओके। क्वेश्चन ये है, विच वर्ड इज यूज इन प्लेस ऑफ राहुल इन सेंटेंस बी। मतलब कि सेंटेंस बी में राहुल के प्लेस पे कौन सा वर्ड यूज किया गया? तो कौन सा वर्ड यूज किया गया? ही। तो आपको पता होगा ही जो होता है बॉयज के लिए यूज किया जाता है। ही किसके लिए यूज किया जाता है? बॉयज के लिए। सी गर्ल्स के लिए एंड ही बॉयज के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेंटेंस है, दिस इज माई बैग। बैग या मेरा बैग है। बैग एक चीज, थिंग्स है, एक वस्तु है। माई बैग इज ब्लू इन कलर। मेरा बैग का कलर ब्लू है। सेंटेंस बी, दिस इज माई बैग, या मेरा बैग है। इट इज अ ब्लू इन कलर। यह कलर में ब्लू है, ठीक है। इट इज ब्लू इन कलर। यह कलर में ब्लू है। वह कलर में ब्लू है, सॉरी, वह कलर में ब्लू है, ओके। विच वर्ड इज यूज इन प्लेस ऑफ माई बैग इन सेंटेंस बी। तो
कौन सा वर्ड सेंटेंस बी में माय बैग के प्लेस पे यूज किया गया है? तो कौन सा यूज किया गया है? इट. कौन सा सेंटेंस यूज किया गया है? इट. तो किसी भी थिंग्स या एनिमल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं. जैसे कि गर्ल्स के लिए सी, सी मीन्स वह होता है. बॉयज के लिए ही मीन्स वह होता है. एंड एनिमल्स एंड थिंग्स, थिंग्स के लिए क्या यूज करते हैं? इट. इट मीन्स भी वह होता है. ओके, समझ में आ गया आपको? ओके. व्हेन वी टॉक अबाउट अ बॉय, जब हम लड़कों के बारे में बात करें, और अ मैन, और आदमी के बारे में बात करते हैं, वी यूज ही. तो हम किसका यूज करते हैं? ही का यूज करते हैं. बॉय एंड मैन, हम इनके लिए किसका यूज करते हैं? ही का यूज करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट गर्ल, जब हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं, और वुमेन, और औरतों के बारे में बात करते हैं, वी यूज सी. किसका यूज करते हैं हम? सी का यूज. मैंने बताया वहां पे बॉय के लिए ही एंड गर्ल के लिए सी का यूज किया जाता है. व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स, बर्ड और एनिमल्स, जब हम चीजें, वस्तुएं, बर्ड्स, चिड़िया, पक्षी या एनिमल्स, जानवरों का के बारे में बात करते हैं, वी यूज इट. हम किसका यूज करते हैं? इट का. किसके किसके लिए? थिंग्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स. ओके, ही, सी एंड इट आर वर्ड दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड. ही, शी, इट वो वर्ड है जो नेमिंग वर्ड के प्लेस पे यूज किया जाता है. नेमिंग वर्ड मैंने आपको पढ़ाया है, नेमिंग वर्ड मीन्स नाउन. ओके, तो उनके प्लेस पे इनको यूज किया जाता है. समझ में आ गया सभी को? ही, सी, इट का यूज. ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 20. पेज नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही, सी और इट. आपको ही, सी, इट का यूज करके इसको फिल करना है. तो यह आपका होमवर्क है, यह आपका होमवर्क है. आपको इसको अपने बुक्स में फिल अप करना है. ठीक है, ओके, अभी तक के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम अगला लेसन रीड करेंगे. ओके, थैंक यू.